तो आज अपन कर लेंगे 3.3 से पहले वाले सारे एग्जाम्पल। फिर बता दूं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, ज़रूर देखना, ठीक है। तो 3.3 से पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपका, वो दे रखा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल ज्ञात करो, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बहुत इजी है। फैक्टराइजेशन मेथड से अपन को सॉल्व करना है। हम लोग गुणनखंड विधि मैंने बता रखी है, अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप जाके इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एक्स स्क्वायर, थोड़ी थ्योरी लिखना चाहो तो लिख दो, दिया गया द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, गुणनखंड का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इन दोनों को मन में सोच लो, तो मन में आपके आ गया होगा 10x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है मतलब मन में सोचने का, और बीच में 3x, इस 3x के ऐसे दो टुकड़े करने कि उन दोनों टुकड़ों को जब आपस में सॉल्व करूं, मतलब प्लस करूं या माइनस करूं, तब तो 3x बच जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 10x हो जाए। तो सिंपल है, 5x और 2x ले लो प्लस का, जब 5x माइनस का और 2x प्लस का जब आपस में इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बच जाएगा माइनस का, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो टेक्निक बताई थी मैंने आपको, ठीक है, ये सब कुछ मन में सोचना है, ओके। इसका मतलब उसके क्या फैक्टर निकल के आगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x, ओके। अब नेक्स्ट, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों x कॉमन ले लिया, तो एक कॉमन जो लिया उसका डिवाइड किया जाता है, इसका x का x स्क्वायर में डिवाइड किया तो पीछे x बच गया, माइनस का माइनस और x x खत्म, डिवाइड का मतलब भाग, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में, इसके अलावा कुछ कॉमन जा ही नहीं सकता, ठीक है। दो दो के जोड़े बनाने, समझ तो पा रहे हो ना, पहले बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करवा रखे मैंने। तो यहाँ पर भी x माइनस 5, चेक क्या करना है, ये चीज़ बिल्कुल डिट्टो सेम आनी चाहिए। हाँ, ये आगे पीछे हो सकते हैं, 5 पहले x बाद में, लेकिन माइनस का 5 प्लस का x, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद में एक बार जो अपने कॉमन लिया था वो लिख लो, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख लो, बराबर 0। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के साथ कंपेयर करवाना है, और एक बार x माइनस 5 को 0 के साथ कंपेयर करवाना है। तो x की वैल्यू माइनस 2 जब उधर जाएगा तो, ठीक है, इधर x की वैल्यू प्लस का 5। आपको पता है जब भी रूट्स पूछे, जीरोज पूछे, शून्यंक पूछे, तो हमेशा मैंने कहा था अल्फ़ा बीटा मान लेना, एक ही बात है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। इसका मतलब लिख देना, देयरफॉर रूट्स पूछे ना, हाँ, द रूट्स आर लिख दो सीधा, इधर रूट्स आर 2.5, ठीक है, माइनस टू कॉमा फाइव, आता है मूल बराबर -2.5। काफ़ी इजी है, लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको अपन को सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वाकई बहुत डिफरेंट है, रूट की वैल्यू है, एग्जाम प्रॉब्लम हो जाएगी वरना सॉल्व नहीं करोगे तो, ठीक है। तो वही सेम सोल्यूशन रहेगा अपना, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि दिया गया द्विघात समीकरण, और वो लिख देना, हिंदी वाले क्वेश्चन लिखने, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि द्वारा, और मैंने ये देश का मतलब है, यही क्वेश्चन वापस है। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट, और एक बड़ी बात बताता हूँ आप, ये वो कभी कभी क्या करेगा, इस 5√2 को यहाँ लिख देगा, 7x को उधर लिख देगा, या फिर इसको उधर लिख देगा। तो हमेशा आपको सीक्वेंस में इसको एडजस्ट करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर नंबर, ध्यान रखना, पहले एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर नंबर, अगर आगे पीछे हो तो आप खुद एडजस्ट कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बराबर के सब इधर ही है, इधर साइन चेंज होता नहीं है, ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को मन में सोच लो, ठीक है, रूट टू एक्स स्क्वायर इंटू 5√2, मन में सोचने का मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा इजी है। मैंने आपको एक वीडियो डाल रखा है, उसमें इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में, रूट वाला, तो अगर वो जिसने वो पढ़ रखा है तो ये बड़ी सिंपल बात हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह एक ही बार में आ जाएगा। अब रूट टू को ओनली फॉर √2 से करो तो आया 2, पता है ना, √2 से ओनली 2, √3 ओनली 3, √5 ओनली 5, √6 ओनली 6, सेम वैल्यू आ जाती है, और फिर जो पीछे 5 बच गया उससे मल्टीप्लाई, यानी कि 10। फिर बता दूं, रूट से रूट मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 2, फिर 2 को नंबर से, यानी कि 10, और एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमें
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10x² मिला। अभी 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों को जोड़ूं या घटाऊं तब तो 7x, मतलब प्लस करूं या माइनस करूं तब 7x, और मल्टीप्लाई करूं दोनों को जो अपन टुकड़े करेंगे तब ये। तो बहुत ईजी है ना, क्या 5x और 2x को जब ऐड करते हैं तो 7x, यस, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x². पूरी बात फॉलो हो रही है, इसका मतलब टुकड़े अपने सही है। तो रफ वर्क था, दिमाग से सोचना है, कलम पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो √2x² प्लस का 5x और प्लस का 2x। एक बात और बता दूं, कुछ बच्चों का ये भी इशू रहता है कि ये 2x पहले लिखूं 5x बाद में लिखूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी कहीं पर भी लिख दो, कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, अब दोनों में कॉमन लेने के टाइम पर सोचना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पर है। देखो बताता हूँ मैं आप, अच्छा फिर भी किसी कन्फ्यूजन नहीं है ना, कमेंट्स आते हैं कि ये पहले लिख दूँ बाद में लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी मैं दोनों से बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन जा सकते हैं, ओनली 4x, इन दोनों में सिर्फ x, दो दो के जोड़े बनाने और फिर कॉमन लेना है। x लिया तो अंदर बच गया √2x प्लस ओनली 4 5, क्योंकि इससे तो एक्स से एक्स खत्म हो गया और इससे x² का 1x रह गया, 1x खत्म हो गया, √2 का √2 रह गया। मतलब हम क्या करें, जो भी कॉमन लिया जाता है उसका इसमें डिवाइड किया जाता है। अब यहां है सोचने वाली बात, सबसे टॉप ये, हालांकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं आपके लिए, सिंपल है अगर मेरे सारे वीडियो आपने देखे हैं तो। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो 2x है और ये 5√2 है, दोनों में देखने पर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन वाकई इसके अंदर हिडन मामला है, मामला अंदर का है। क्या कि 2 को मैं लिख सकता हूं √2 × √2, पूरी बात सुनना, इस ओनली फॉर 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, क्योंकि √2 और √2 मल्टीप्लाई होने पर 2 होता है। एक बात बताओ, ये 7 है, इसको मैं 4 + 3 लिख दूँ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। 8 है, मैं 5 + 3 लिख दूँ, ठीक है। वही वाली बात यहाँ पर है कि √2 को लिखा जा सकता है √2 × √2, इसका मतलब इसके अंदर 2 बार √2 छुपा हुआ है, इस 2 के अंदर 2 बार √2 √2 छुपा हुआ है। इट मीन्स इसमें से भी √2 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है, ये ऐसा है और ये भी √2 है, इसका मतलब दोनों में √2 कॉमन जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यहाँ जो साइन है वो लगा दो, √2 ले लिया कॉमन, इसको अपन ने ये लिख दिया तो √2 से √2 खत्म, पीछे क्या बच गया √2x। मेरी बात समझ में आ गई, इससे ये कट गया तो पीछे ये तो बच गया ना, ये लिख दिया, हालांकि ये मन में सोचना था या लिखना नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए लिखा आपको। अब समझ में आ गई दुनिया का सबसे इजी तरीका, और इतना एक्सप्लेन कोई कर दे तो मुझे कमेंट करके बताना। फिर √2 से √2 खत्म, 5 बचा बराबर 0। अब देखो जो बाहर कॉमन लिया था एक बार वो लिख लो, ठीक है, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख रहने दो, ठीक है, बराबर 0। एक बार x + √2 को 0 के साथ कंपेयर, एक बार √2x + 5 को 0 के साथ कंपेयर। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी x = −√2, क्योंकि जब √2 इधर जाएगा तो −√2 हो गया, यानी कि अल्फा तो आ गया −√2, मतलब 1 0 1 0 तो आ गया। फिर √2x में सबसे पहले 5 को भेजा तो 5 हो गया माइनस का, फिर x = −5, √2 जाएगा नीचे, आपको पता ही है सिंपल सॉल्यूशन है, तो बीटा हो गया ये, तो अल्फा और बीटा आ गया, इसका मतलब फिर वही लाइन, देयरफॉर जीरोस कौन कौन से आएगा, 0 आर −√2, 5/√2, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, अतः 0 = −√2, −5/√2, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, लेकिन प्लस माइनस का और यहाँ पर बेसिकली ध्यान देना। फिर भी कोई रूट वाले में इशू हो तो इम्पोर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऐसे कैपिटल में लिखा हुआ है, इस इम्पोर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में जाके आप रूट की वैल्यू, रूट का मैंने एक साइन बना रखा है, रूट नाम लिख रखा है, इस रूट वाले वीडियो के अंदर थंबनेल लिख जाएगा, उसमें जाके रूट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो, कुछ बच्चों को ये इशू रहता है, जैसे ये वीडियो चल रहा है तो यहाँ पर छोटा सा साइन होगा, उसको क्लिक करोगे नीचे बहुत सारी प्लेलिस्ट अपने चैनल खुल जाएगी, उनमें से देख लेना कोई सी प्लेलिस्ट कौन सी है, उसमें जाके क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ, ये जो एग्जांपल है आपका लास्ट एग्जांपल जो 3.3 से पहले, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि इसने एक बात कही कि निम्न द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, ये तो वही बात है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बट जो ये जो क्वेश्चन दिया ने इसने, ये अपोन में दे दिया, इस पर तो जाना ही मत, कभी मत देखना भले इसको, तो
मेरी बात सिंपली समझो, इसको कभी मत देखना भले आप लिखा हुआ रहता है, ऐसे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कहता है x बराबर नहीं है 0 और x बराबर नहीं है माइनस का 3.2, तो वैसे भी नहीं होगा, इससे अपन को जाना भी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं इसकी बात करूँ सोल्यूशन की, ये जब तक ये एक लाइन में नहीं आएगा ना, मेरी बात सुन रहे हो, बराबर 0 ऐसे नहीं आएगा ना। कहने का मतलब जैसे मैं रफली मानूँ 2x² + 3x + 5 = 0, ऐसे इस फॉर्म में नहीं आएगा ना जब तक ये फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं होगा, आपको ये समझना है। मतलब कि जब तक ऐसा नहीं बना देंगे इसको, ये गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा। फिर अपन क्या करें, इसको ऐसा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके नीचे रख लो 1 और ले लो LCM, और इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं, ये रह जाएगा एज इट इज, ठीक है। LCM लिया तो x आया, x आया x में डिवाइड, तो आपको बताइए एक बार गया, एक को 4 से किया तो 4x, हमेशा इसका डिवाइड वो अपने हिसाब से, सिंपल बात है। x इसका किया तो x आ गया, x को 3 से किया तो 3x आ गया, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस ही बात है। LCM तो आप इतने सालों से करते आ रहे हो। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो आप लिख सकते हो बाई ट्रैकिंग LCM, चाहो तो LCM लेने पर, LCM लेने पर हिंदी वाले लिख देना LCM लेने पर। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, पूरी बात समझना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे इसको इससे इसको इससे, मतलब कहने का कि 2x + 3 जो है ना, इसको 4 - 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो इक्वल का साइन है, बराबर का साइन है, वो साइन लगाएंगे, इसको इससे करेंगे x को 5 से, तो वो तो सीधा है 5x लिख देता हूँ, एक ही बात है x को 5 से करने पर, तो ठीक है। और इसको देखो, यहाँ वाली बात समझनी है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार 4 को 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसको इस पूरे के साथ, फिर -3x को 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज 5x का 5x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये हो गया 8x, इसको इससे तो ये 12, इसको इससे तो ये 6x² ध्यान देना ना, एक्स और x², फिर इसको इससे तो 3 × 3 = 9 और x। गलती कहाँ करोगे आप, पता है आपको कि माइनस है तो जल्दबाजी में 6x+ का लिख दोगे, x² नहीं लिखोगे कभी, कभी ये प्लस का लिख दोगे, तो थोड़ा ध्यान रखना ये माइनस है इसलिए इन दोनों को माइनस का कर गया, और 5x का 5x। अब क्या करना है, x² x और x कौन कौन सोल्व हो रहा है, 8x और माइनस का 9x, तो एक काम करो पहले x² को लिख दो, 6x² आपको पता ना पहले पावर के हिसाब से, फिर 8x+ के और 9x माइनस के हैं, तो सीधी सी बात है माइनस का 1x बच गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उस 5x को भी अंदर ले आओ, एक काम करते हैं अपन, चलो अभी तो लिख लेते हैं, +12 = 5x, मतलब इधर का पूरा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, माइनस का 6x² अपनी जगह, ये माइनस का x, उस 5x को इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस का 5x और 12 = 0, क्योंकि 5x भी अंदर आ गया, तो माइनस का 6x² माइनस का 5x और माइनस का x माइनस का 6x, कैसे कि ये 1x है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात है कि हमेशा 1x होता है, माइनस का 1x और माइनस का 5x दोनों जुड़ जाएंगे, साइन अपना रखेंगे, माइनस का 6x हो गया = 0। अब समझो, अब जब वैल्यू स्क्वायर की जो हो, हालांकि फैक्टराइजेशन वाली लाइन बन गई x² फिर x पर नंबर, लेकिन ये माइनस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, हालांकि गलत नहीं है, तो यहाँ पर एक काम करना, आप हमेशा इसको प्लस का बना लिया करो, मैं बताऊँगा ईजी मेथड, आंसर मैं इससे भी निकाल के बता दूंगा, अभी कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अपने काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया ना, तो देखो ये 6x² प्लस का हो गया, मेरी बात सुनना, 6x ये भी प्लस का हो गया, और जो 12 थे वो माइनस का हो गया = 0। ये बात पूरे से सुन लो अच्छे से, जब भी बाहर माइनस कॉमन लिया जाए तीनों के साइन चेंज, जब भी कभी भी माइनस का साइन चेंज बाहर कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सारी चेंज हो जाती है, चेंज हो गई, ये 6x² प्लस का हो गया, 6x प्लस का हो गया, माइनस का 12 हो गया प्लस की वजह से। अब ये माइनस उधर जाके ख़त्म, क्योंकि उधर 0 है, कोई मतलब नहीं, पीछे क्या बचा, 6x² + 6x - 12 = 0, ये एक ही बात है। इसको आप इसके बाद में, मेरी बात पूरी सुनना, इसके बाद में डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये ना दिखाई, लेकिन मैंने आपको पूरे बेसिक्स बताया कि ये दिखा भी सकते हो और नहीं भी चलेगा, सीधी लाइन में लिखोगे ना तो इतना कॉमन सेंस सब में होता है, गलत नहीं होता वो, समझ गए। ओके, अब करना है वही फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, इस 6x कैसे टुकड़े करो, लेकिन फिर एक बात सोचना सिखाता हूँ, मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ज़बरदस्त बताया था, वहाँ पर एक बात बताई मैंने कि जब भी आपको फैक्टराइजेशन या गुणनखंड करना हो तो हमेशा कोशिश करो कि कोई कॉमन जाके थोड़ा हल्का हो सकता है क्या, तीनों में 6 6 6 कॉमन जा रहा है तो 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ x² क्योंकि 6 से 6 कट गया,
यहाँ भी 6 से 6 कट गया, x बचा, और यहाँ पर 6 टू 12 6 दूनी 12 वो भी कट गया। पीछे क्या बचा, ये 6 उधर जाके 0 खत्म, पीछे बच जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। समझ तो गए ना, ये ऐसा होगा उधर जाके, दिखाने की जरूरत भी नहीं है, चलो दिखा देता हूँ फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये लो, ये हो गया 0, क्योंकि किसी भी नंबर का जब 0 में डिवाइड करते हैं तो 0, मेरी बात समझ गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाके बटे में जाएगा, अपॉन में जाएगा। अब ये इजी बन गया। अब अपन को चाहिए 2x स्क्वायर, और इसके ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वायर आ जाए, ऐड करूँ तो x बचे। तो बहुत सिंपल है, माइनस का 2x ले लो और प्लस का x ले लो। ये जब प्रैक्टिस करोगे ना, देखो होगा क्या, कुछ लोग इतने वो होते हैं कि नहीं नहीं मुझे आता है एग्जाम्पल वगैरह, मैं नहीं कर रहा। कैसे नहीं करेगा, जब ये आ जाएगा तो सोचने में 5 मिनट लग जाएगी तेरे को वहाँ पर, और 5 मिनट की कीमत समझते हो आप, क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए सबकी प्रैक्टिस करो ताकि वहाँ स्पीड बढ़े, बाकी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर माइनस का 2x लिया और x लिया और माइनस 2 बराबर 0, ये इट इज़, मतलब टुकड़े सिर्फ इसके हैं, बाकी ये सेम, ये सेम, ये सेम टू सेम। माइनस के 2x में से x निकलेगा, आपको पता है x बच रहा है, लेकिन ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कि ये x प्लस का बचना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये प्लस का लेंगे और ये माइनस का लेंगे। यही तो ध्यान देना है कि जब दोनों को सोल्व करें तो x किसका बचना चाहिए। तो जब 2x प्लस के में से माइनस का x जाएगा तो प्लस का x बचेगा, इतनी देर माइनस की वजह से माइनस का बचा तो गलत हो जाता। अब दोनों को मल्टीप्लाई आपस में किया तो 2x को जब माइनस x से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर, बिल्कुल माइनस का 2x स्क्वायर माइनस मारा है, हमें माइनस में चाहिए, माइनस मारा है। समझ गए दोनों टुकड़े कैसे हुए। अब इन दोनों में कॉमन x आया तो x का x में डिवाइड सिर्फ x बचा, फिर x का x में डिवाइड तो सिर्फ 2 बचा। यहाँ जो साइन है वही लगाना है, ब्रैकेट, कुछ भी कॉमन नहीं दोनों में तो 1 आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लेना है। माइनस माइनस कट गया प्लस, 1 का x में किया तो ओनली x ही आ गया, फिर माइनस माइनस की वजह से प्लस, और 1 को 2 में किया तो 2। क्या करें 2 में, डिवाइड, ये हर बारी भाग दिया जाता है जो भी कॉमन ले रहे हैं अपन, ठीक है, डिवाइड किया जाता है। अब एक बार जो बाहर कॉमन आया था वो लिख दो x माइनस 1, और एक बार ब्रैकेट वाले लिख दो x प्लस 2, ठीक है। और बारी बारी कंपेयर करवा दो, एक बार x माइनस 1 को 0 से और एक बार x प्लस 2 को 0 से, ठीक है। तो x x बराबर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि जब 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि जब 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों जो रूट्स हैं, रूट्स तो पूछे थे इसने, रूट्स आर 1 कोमा माइनस 2, यानी कि जो मूल हैं वो क्या आ गए, 1 कोमा माइनस 2। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन किया करो इस तरीके से। 3.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे अपने आज कंप्लीट कर लिए।